सियासी गतिविधियां इस समय चरम पर हैं और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता अलियास बनहाली द्वारा गुजर बकरवाल समुदाय पर लगाए गए गंभीर आरोपों ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। लेकिन इस बवाल के बीच भाजपा द्वारा गुजर बकरवाल समुदाय की भलाई के लिए उठाए गए ठोस कदमों पर भी बात हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने आरोप लगाया है कि गुजर बकरवाल समुदाय के लोग वोट के बदले पैसे लेते हैं और वफादार नहीं है। इसके चलते राजनीतिक माहौल में तूफान मच गया है। एक तथ्य ये भी है कि भाजपा सरकार ने गुजर बकरवाल समुदाय के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पिछले वर्षों में इस समुदाय के लिए कई सामाजिक और आर्थिक योजनाएं शुरू की गई जो उनके विकास और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कई बार इस समुदाय की भलाई और उनके राष्ट्र प्रेम की तारीफ की है। भाजपा ने इस समुदाय के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कई पहलें की हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर शामिल हैं। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप गुजर बकरवाल समुदाय को कई नई सुविधाएं और अवसर प्राप्त हुए हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गुजर बकरवाल समुदाय की समस्याओं की हमेशा अनदेखी की है। भाजपा के प्रयासों के बावजूद इन पार्टियों ने समुदाय के उत्थान के लिए ठोस कदम उठाने के बजाय केवल चुनावी लाभ की राजनीति की है। और वहीं गुजर बकरवाल समुदाय के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता गंभीर है। इस समुदाय के सशक्तिकरण के लिए भाजपा लगातार काम कर रही है।